अल्फाबेट सीरीज जो हमारा ए टू जेड हमारा जो स्पिरिचुअल सीरीज चल रहा है, आज है उसका डे 10 और लेटर है जे। और जे पर हम बात करेंगे आज जर्नी ऑफ जॉय, आनंद की यात्रा। लेकिन उससे पहले हम ध्यान करेंगे 45 मिनट्स का। और जो आज का ध्यान है वो हमारा, आज जैसा कि सावन चल रहा है और सोमवार है आज, तो जब सावन शुरू हुआ था उस फर्स्ट जो पहला सोमवार था उसमें हम इसी तरह का सावन ध्यान किए थे और उससे सबको बहुत अच्छी ऊर्जा हम सब महसूस किए थे, अच्छा लगा था। तो आज फिर आज है लास्ट सोमवार है सावन का, तो हम एक शिवो हम पर और शिव जी की एनर्जी, शिव पार्वती की अर्ध नारेश्वर की एनर्जी को हम अपने में फील करेंगे, इनवाइट करेंगे और ध्यान में ही उनका अभिषेक भी करेंगे। तो इस तरीके का हमारा ध्यान रहेगा और ध्यान के बाद हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। तो सभी अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कर लें। कोमलता से अपनी हम आंखें बंद कर लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, फंसाकर अपनी गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। पूरे ध्यान विधि में हम आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। सभी कोमलता से आंखें बंद, अपने आप को अलाउ करें कि मैं नेक्स्ट 45 मिनट्स मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में ही रहूंगी या रहूंगा। किसी भी बाहरी चीजों से मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, सांसों को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं, चेहरे पे प्यारी से मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। आज के इस सावन सोमवार के ध्यान में हम आमंत्रित करेंगे, मेरे साथ अपने मन में दोहरा सकते हैं, हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, भगवान गौतम बुद्ध की एनर्जी को, उनके आशीर्वादों को हम आमंत्रित करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं आज के इस पावन दिन में शिव, लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, उनकी एनर्जी को, हमारे स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, सुप्रीम गॉड, कि वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दें। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और सोच विचार को खत्म कर दें और हमें अपनी दिव्यता से भर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब हम इनवाइट करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, एस्ट्रल पिरामिड जो दिख नहीं रहा लेकिन हमारे बुलाने से हम सबके लिए बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। साथ ही साथ हम सॉल्ट पिरामिड को भी इनवाइट करेंगे। सॉल्ट जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को
अप्रभावी कर देगा, खत्म करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। हम सब जितने भी ध्यानी हैं अपने आप को देखेंगे सूक्ष्म शरीर के रूप में। हम सब एक बड़े से पिरामिड के अंदर बैठे हैं आज के इस ध्यान के लिए। हम सभी इस पिरामिड के अंदर एक घेरा बनाकर, एक सर्कल बनाकर बैठे हैं और सभी मास्टर्स जिनको हमने इनवाइट किया उनकी वे भी घेरा बनाकर एक सर्कल में बैठे हैं हमारे साथ है इस पिरामिड के अंदर। और इस पिरामिड के बीचों बीच इसके सेंटर पॉइंट में एक बड़ा सा शिवलिंग है। एक बड़ा सा शिवलिंग हम सब ध्यानियों के लिए आज के इस पावन दिन में आ चुका है सेंटर पॉइंट में और हम सब चारों तरफ एक सर्कल बनाकर बैठे हैं। सभी मास्टर्स की दिव्य ऊर्जा जितने भी यहाँ पर मास्टर्स जुड़े हुए, जितने भी ध्यानी जुड़े, हम सब ध्यानियों को उस मास्टर्स की ब्लेसिंग्स और एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं। पिरामिड के ऊपर उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से दिव्य ऊर्जा अंदर आ रही है। एक प्रकाश जो बारिश की तरह, फाउंटेन की तरह हम सब पर गिर रही है। यह ऊर्जा जो चारों तरफ फैल रही है हम सब ध्यानियों की इस सूक्ष्म शरीर पर गिरते हुए, जैसे हमें इस ऊर्जा से नहला रही है। यह ऊर्जा अपने अंदर बहते हुए महसूस करें हमारे ब्रह्मरंध्र से, क्राउन चक्रा से होते हुए हमारे पूरे मस्तिष्क में, चेहरे पर, दोनों हाथों पर, कंधों पर भरती जा रही है, पूरी छाती में,
पेट में, पीठ पर, कमर, हिप्स, थाइस, घुटनों पर, पैरों के तलवे तक इस ऊर्जा को महसूस करें। यह एनर्जी हमारे सातों चक्रा में भी भर कर उसे हील कर रही है। हमारे मूलाधार चक्रा में स्वाधिष्ठान चक्रा में मणिपुरा चक्रा में देखें इस दिव्य ऊर्जा को भरते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती जा रही है और जिसे सॉल्ट पिरामिड उस ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है सकारात्मक ऊर्जा में। और इस ऊर्जा को भरते हुए देखें अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, सर के सबसे ऊपर सहस्रार चक्र में, सभी चक्र दिव्यता से भर रहे हैं, रोशन हो रहे हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाकर खत्म हो रही है। हमारे सातों चक्र सभी हील्ड हैं, एनर्जाइज्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, एक्टिव हैं। ऊर्जा को अपने साथ साथ इस भौतिक शरीर में भी भर रही है, साथ ही साथ हमारे सातों शरीर में यह दिव्यता या ऊर्जा भरती जा रही है। भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन शरीर, आत्मिक शरीर और निर्वाण शरीर, सातों शरीर में ये दिव्यता भर रही है। सारे ब्लॉकेजेस, अननेसेसरी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को निकाल कर खत्म कर रही है, उसे परिवर्तित कर दे रही है सकारात्मक ऊर्जा में। इस ऊर्जा को अपने सभी पंचकोश और उसके अलावा जो और दो कोश है, सातों कोशा में इस ऊर्जा को हम बढ़ते हुए महसूस करेंगे। नाम नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इंटेंशन काफी है। हमारे अन्नमय कोश में यह ऊर्जा भर रही, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में ऊर्जा को जाते हुए देखें। मन, विचार, सबकी शुद्धि हो रही है। विज्ञानमय कोश में ऊर्जा भर रही है। सही ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी बढ़ रही है।
आनंदमय कोश में पहुंच रही है, भर रही है यह ऊर्जा। इन पांचों कोशों की शुद्धि हो रही। कोश माने शीत लेयर्स हमारे बॉडी की। छठे कोश विश्वमय कोश और सातवें निर्वाणमय कोश में भी यह ऊर्जा भर रही। तो यह बारिश रूपी ऊर्जा हमारे सातों चक्र, सातों शरीर, सातों कोशा की शुद्धि कर चुकी है। हमारी पूरी तरह से सफाई हो चुकी है और दिव्यता से हम भर चुके हैं। इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने भीतर बाहर चारों तरफ सभी जैसे प्रकाश रूपी मूरत में हम सब बैठे हैं, बिल्कुल खाली होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग भी हमें मिलती जा रही है। उनके ऑरा में, आभा मंडल में बैठ के, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर हम जैसे खुद ही कुछ खास, कुछ नए, कुछ अलग बनते जा रहे हैं। और अब हम फिर देख रहे हैं एक बड़े से शिवलिंग को। शिवा पार्वती की ऊर्जा और आशीर्वादों को भी हम महसूस कर पा रहे हैं। पिरामिड के सेंटर पॉइंट से हम देखेंगे जैसे दूध रूपी वर्षा हो रही है। पिरामिड के सेंटर पॉइंट से दूध की धारा गिर रही है जो शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। बस इस पल को देखे मन की आंखों से, कितना खूबसूरत है ये पल। Namah Shivaya.
बड़े से शिवलिंग के सामने बैठे हुए इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए हम सब भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में, और पिरामिड में उस बड़े से शिवलिंग के सामने हम सब घेरा बनाकर और भी छोटे छोटे शिवलिंग बन चुके हैं। और ये जो दूध की धारा गिर रही है इस बड़े से शिवलिंग पर, उसकी छींटे बाकी के सभी छोटे शिवलिंग्स पर भी पड़ रही है, हम सब पर भी पड़ रही है। इस दूध रूपी ऊर्जा और उसकी छींटे को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करें। पूरी तरह तरह से शुद्धता से भरते हुए, इस दिव्यता से भरते हुए, इस पल का हिस्सा जैसे खुद ही शिव बन गए, उस अंदर के शिव तत्व को महसूस करें, शिवोहम का बोध करते रहें और इस पल में इस ध्यान में जुड़े रहें। Namaste।
बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। Oh.
इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर अभिषेक, ऐसा जैसे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। और खुद भी शिवलिंग के रूप में अपने आप को हम देख पाए, महसूस कर पाए, खुद की भी हमारी जैसे अभिषेक हो रही थी इस दूधी रूपी ऊर्जा से। पल को, इस दृश्य को अपने आप में समेटते हुए, इस दृष्टि को, इस नजारे को अपने आप में कैद करते हुए, और सभी मास्टर्स की ऊर्जा आशीर्वादों को, शिवा पार्वती आशीर्वादों से जुड़कर धीरे धीरे अपने आप को फिर से अपने शरीर में परिवर्तित होते हुए महसूस करें, अपने बॉडी में आते हुए। फिर से अपने आप को हम देख पा रहे हैं अभी उसी पिरामिड के अंदर। मन में कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, शिवा को नमस्कार करते हुए, पार्वती माता को नमस्कार करते हुए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वे हमें अपने आशीर्वादों से भर रहे हैं। और अब हम उन्हें प्रेम पूर्वक शिवा पार्वती को विदा करेंगे, शिवलिंग को जाते हुए देखें। शिवजी पार्वती हमें आशीर्वादों से भर कर उनकी अभी हम उन्हें विदाई देते हैं इस पल के लिए। अब हम सभी मास्टर्स को जिनको हमने इनवाइट किया था, सभी देवी देवदूतों, आध्यात्मिक सहायक, आध्यात्मिक गुरु, सिद्ध और संत, पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी, भगवान गौतम बुद्ध को और सभी आध्यात्मिक सहायकों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारा हायर सोल, सुप्रीम गॉड, गार्डियन एंजल्स, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देकर विदा करते हैं कि हम सब आपको अब जाने की अनुमति देते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम एस्ट्रल पिरामिड को भी शुक्रिया करेंगे। एस्ट्रल पिरामिड, सॉल पिरामिड को भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस ध्यान में आने के लिए, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, हमें दिव्यता से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको महसूस करें कुछ अलग, नए बनकर, खास,
दिव्यता से भरे हुए आभा मंडल चमक रहा है। सातों शरीर, सातों कोशा, सातों चक्र सब पूरी तरह से क्लीन हील्ड एनर्जाइज हो चुके हैं। धीरे धीरे हम इस ध्यान विधि से बाहर आएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने आप को इस शरीर में महसूस करें, अपने ही शरीर में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करेंगे, अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। इस ध्यान में हम प्रचुर मात्रा में दिव्यता से भर चुके हैं, ऊर्जा से भर चुके हैं। अतिरिक्त ऊर्जा को हम मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को भेजते हैं। पृथ्वी माँ हमारे इस ध्यान की अतिरिक्त ऊर्जा को आप अपने में संभालें। थैंक यू मदर अर्थ। Thank you all the great, great ones. Thank you all the spiritual elves. Last 1 minute. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। दोनों हाथों हटाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। इस ऊर्जा भरे हाथ को शरीर में लगाते लौटाएं इस पल में जोरदार ताली खुद के लिए, आज के ध्यान के लिए, पल के लिए, ऊर्जा और आशीर्वादों के लिए। थैंक यू। आई होप आज का ध्यान बहुत सुंदर अच्छा रहा होगा। सब हम उस एनर्जी, हम सभी फील कर पाए होंगे इस दिव्यता को, आशीर्वादों को। सरोज जी का हैंड रेज़ है, मैं एक अनम्यूट करती हूँ। बोलिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मेरे शिव जी का अभिषेक नहीं हुआ, जो ऐसे लग रहा है कहाँ केदारनाथ, अमरनाथ सब जगह पहुंचे। क्या सुंदर अभिषेक हो रहा है और पूरी इत्र की खुशबू ही खुशबू हो गई, जैसे मेरे को बैठी बैठी कोई एकदम मैंने स्मेल आ रही है पूरी खुशबू इत्र की, चीनी दूध दही सबसे। इतना सुंदर अभिषेक, इतना अच्छा हुआ, बहुत बहुत ऐसे लगा बस मेरा आज तो मेरा सक्सेस हो गया पूरा। श्रावण का जो अभिषेक करती हूँ बस आज की थी घर में शिव जी का, ऐसे लगा बस अभी वहां जाके बैठ के जो बड़े बड़े से इस पटिक के इस शिवलिंग केदारनाथ में
और अवतार में तो बर्फ के थे ही, इतना सुंदर शिव पार्वती कार्तिक और गणेश जी और नंदी सब बैठे, इतना मजा आया, इतना मजा आया सबके साथ में, खूब मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना आपका धन्यवाद करे उतना का। और आज आप खुद एंजल लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, सो स्वीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरोजी, आपका अनुभव सुन के अच्छा लगा, बहुत सुंदर। दो तीन एक्सपीरियंस मैं ले लेती हूँ। रेखा जी अनम्यूट करें, फिर हम लोग आज के टॉपिक में बढ़े। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा अभिषेक हुआ, सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेखा जी। दीपिका जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, आप सुन पा रहे हो? थैंक यू मैम, वेरी नाइस मेडिटेशन। मैं कल कालिंदी में जो पिरामिड है वहां गई भी थी, तो आई कुड इमेजिन माई सेल्फ दैट प्लेस एंड जो शिवलिंग और वहां पे सब बैठे हैं हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा आज फील हो रहा था कि मेरी पूरी हाथों में और मेरे इस पोर्शन में एनर्जी पूरी मतलब क्या बोलेंगे, चल रही है या प्रवाहित हो रही है। आई कुड फील दैट वेरी नाइसली। और कल मैं जाके आई तो मेरे को ऐसे, कल भी मुझे रात भर भी मुझे लग रहा था कि मैं पिरामिड में ही बैठी हूँ, मतलब मुझे रात में नींद में भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मेरे को वही लगा था कि मैं जागते हुए सो रही थी, मतलब या सोते हुए जाग रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज भी अभी वैसा ही लग रहा था मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीपिका जी। हाँ ऐसा होता है, पिरामिड की एनर्जी वैसे भी कमाल की होती है, और आप कल ही तो वो फ्रेश था, आप उससे और कनेक्ट हो पाए। थैंक यू थैंक यू। हाँ नीरू नीरू जैन बोलिए। दीपिका जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा ना, मेरे तरफ से हो नहीं रहा है। हाँ नीरू जी बोलिए। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया आपने, और बहुत शीतलता और ठंडक लग रही है। पर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी मैं ध्यान करती हूँ मेरे बैक में बहुत ज्यादा दर्द होती है, बैक में नहीं खाली शोल्डर में, और अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। मैंने कितनी बार ही किया है लेकिन मेरे को ये बैक का प्रॉब्लम है ही, पता नहीं आज मैं पूरा देर बैठ के करी हूँ तो भी ये प्रॉब्लम। बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, आप बैठ के ध्यान कर पाए 45 मिनट्स, वो बहुत बड़ी बात है, और आज की ऊर्जा से हम कनेक्ट हो पाए। निशा जी लास्ट ले रही हूँ शेयरिंग, अनम्यूट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज, थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड मेडिटेशन। एंड जब आपने हमको शिवलिंग बनाया उस समय, उसके बाद जब निकाला वापस, आई वॉज फीलिंग चिल्ड, बहुत ठंड लग रही थी मेरे को, बहुत ठंड। अच्छा। और ऐसे लग रहा था जैसे को कोई प्रकाश आ रहा है सामने, दैट वे दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेल्ट, सो मेनी शिवलिंग्स नियर हस एक्चुअली, बहुत सुंदर था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू निशा जी। वही की हम पूरी तरह से जब अगर उसको फील कर पाते हैं, और शिवलिंग और वो अभिषेक हो रहा है, और शिव जी का है ना वो ठंडा कि उसको हमेशा बर्फ में, और ये तो हम वो ही एनर्जी को से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है। मैं और एक्सपीरियंस शेयरिंग सबका मैं सुनना चाहूंगी, लेकिन आज के इस टॉपिक के बाद जो हमारा जो डिस्कशन है आज, जो चर्चा का विषय है हमारा जे पर, तो हम थोड़ा उस पर बातें कर ले लास्ट में। प्लीज जरूर आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्योंकि अभी 35 मिनट्स बचे हैं जिसमें मुझे आज के सेशन टॉपिक को हम कंप्लीट करें। तो आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ पा रही हूँ, वंडरफुल ध्यान, और बहुत अच्छा लगा, तो वाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के एक्सपीरियंस और ध्यान की ऊर्जा से कनेक्ट होकर। तो फ्रेंड्स आज जो हम अल्फाबेट सीरीज जो हमारा चल रहा है, तो आज का 10th डे है, और जो लेटर जे पे हम जर्नी ऑफ जॉय माने आनंद की यात्रा, तो है ये कॉमन टॉपिक ही है वैसे, कि हम अपने इसी थोड़ा लाइफ को ही समझें, पर समझने की बात है जितना हम सुने। कुछ कुछ मैं स्टोरी भी शेयर करूंगी, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी, तो जिससे ताकि हम और इसको अच्छे से क्लियर होए
कहीं पर भी कुछ क्योंकि तो चलो एक शुरुआत करूंगी एक कहानी से ही। तो कहानी एक बार एक सेठ होता है और मंदिर जाता है। तो अब मंदिर जाकर क्या करता है वो कि भगवान से हाथ जोड़े खड़ा है और भगवान से अब शिकायत कर रहा है कि मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ और ये जो तेरी मंदिर ये जो है तेरा मंदिर वो भी मैं बनवाया, तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, रोज सुबह सबसे पहले आकर तेरे चरणों में मैं ही तो मतलब तेरे चरणों को आके मैं पूजता हूँ और फिर भी तू मुझ पे कृपा नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो अब शिकायत कर रहा है कि फिर भी तू मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। और फिर और क्या कह रहा है कि मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे संतान दे दे संतान दे दे संतान दे दे, फिर तूने एक संतान दे भी दिया, फिर तूने दिया भी लेकिन इतना अच्छा संतान अच्छी संतान मुझे नहीं मिली। और मैंने तुझसे कितनी बार कहा मेरा ध्यान रख और तू संतान तो दे दिया, सारी संपत्ति भी मुझे मिल गई, लेकिन है ना मेरे संबंध अच्छे नहीं है, तो मैं मेरे संबंध अच्छे नहीं है तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता। तो इस तरीके से वो भगवान के सामने आकर के ये सारी बातें कह रहा है। और फिर वो चला कुछ देर इसी तरह कहते हुए बात करते हुए भगवान के दर्शन करते हुए वो फिर वो बाहर निकल जाता है। और अब थोड़ी देर में और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक अंधा भिखारी आता है, एक अंधा भिखारी फिर उस मंदिर पर वो आता है। और अब वो क्या कह रहा है कि वो अहोभाग्य मेरे उस भाव से भर करके वो कह रहा है हे प्रभु बहुत मैं तुझ बड़ा आभारी हूं तेरा, तेरी बहुत बड़ी कृपा है जिस लायक मैं हूं भी नहीं, और तू इतनी कृपा है कि मैं आज तक मंदिर खुद चल करके आता हूँ, अपने पैरों से मैं आज तक तुम्हारे मंदिर तुम्हारे द्वार पर मैं चलकर आ पा रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बड़ी कृपा है आपकी मेरे पर। और क्या कहता है कि भले ही मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन तेरी दृष्टि मुझ पर हर वक्त पड़ती है, तेरी दृष्टि बने रहे और तेरे अपने पैरों से मैं चल करके रोज तुम्हारे दर्शन करने इस मंदिर में आता रहूं, तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वादों से मैं जुड़ता रहूं तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया है बस। तो इस तरीके से वो प्रभु से ऐसे बातें कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह की दृष्टि है, दो तरह की दृष्टि, दो तरह के लोग। एक जो सेठ है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्या कर रहा है शिकायतें कर रहा है, और दूसरा क्या है कि एक भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं होते हुए भी लेकिन जो है जो वो कर पा रहा है तो उसके लिए वो शुक्रिया कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, हो भाग्य मेरे। तो इस तरीके से तो एक मिनट मुझे दीजिए। तो ऐसी वो बातें करता रहता है, मतलब इस तरह के लोग दो तरह के। तो जीवन में या तो वही चीज है कि खुशियां कहाँ से, खुशियां कहीं बाहर से आएगी क्या, जब तक हम बाहर कहीं नहीं वो खुशी अंदर ही है भीतर ही है हमारे। तो जीवन मिला है लेकिन कुछ लोग क्या करते रहते हैं शिकायतों में, अब जीवन बस काट रहे हैं, जीवन को काटना है इस तरह बोझ की तरह वो जीवन को जी रहे हैं। और या फिर कुछ होते हैं कि जीवन को हर वक्त आनंद में जॉय करते हुए मस्ती में रस लेते हैं जीवन के हर एक पल का। तो जो जीवन को बस गुजार रहा है उसके लिए जीवन बोझ है, और जो जीवन को का रस ले रहा है उसके लिए ये आनंद की यात्रा है, जर्नी ऑफ जॉय। तो अपनी लाइफ की इस जर्नी को जर्नी ऑफ जॉय बनाना है या फिर इस यात्रा को कैसे किस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए या फिर झुंझुनाते हुए कैसे बिताना है ये हमारी चॉइस है।
हम दोनों तरीके से जी सकते हैं, कंप्लेन करते हुए सब कुछ होते हुए या नहीं होते हुए भी, या फिर एक ग्रेटिट्यूड शुक्रिया का भाव जो मिला है उसके लिए, हर पल को आनंद से जीते हुए। तो अब कुछ वही शिकायतें करें या हम ग्रेटिट्यूड करें, आनंद और खुशी से जिए, तो कैसे जीते हैं आप खुद, हम अपने आप को ही खुद जज कर पाएंगे कि हर चीजों में हम कंप्लेन करते हैं क्या, या हर चीजों में नहीं भी करते तो भी क्या जो मिला है उसके लिए शुक्रिया करते हैं क्या। तो जब तक जीवन है जिएंगे ही, अब हंस के जियो चाहे रो के, चाहे गुनगुना कर या गुनगुना कर, तो वो हमारे ऊपर है। तो अब मान लीजिए डिसाइड कर लें खुद ही कि अपना जीवन हमको कैसे, कोई होता है कि नेम फेम मनी इनके पीछे ही भागते रह जाता है कि और मिल जाए और मिल जाए। तो और ज्यादातर लोगों को खुद के जीवन में कम दिखता है कि कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसके जीवन में ज्यादा है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, ज्यादा हैप्पीनेस है, ज्यादा फ्रीडम है, और वो ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो दिखता है इस तरीके से। तो हम कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते रहते हैं, या दूसरों के ही लगता है कि वो ज्यादा उसको मिला है, तो भी हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आंतरिक खुशी जो इनर हमारी जो हैप्पीनेस है वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने जीवन को जर्नी ऑफ जॉय जो हम अगर बनाना चाहते हैं कि ये हमारी जर्नी, ये जो हमारे जीवन की यात्रा है वो आनंदमय यात्रा बनी रहे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कुछ 3-4 पॉइंट्स है जिस पर अगर हम काम करें, या मतलब इस तरीके से अपने जर्नी को हम इसी में चलते रहें, तो सब कुछ बिल्कुल खुश और आनंदित से हम रह सकेंगे। तो अपने दिन की शुरुआत, सबसे पहला क्या है कि अपने दिन की शुरुआत ही अगर हम बहुत खुश होकर, हमें जैसे खुश होकर ही करनी पड़ेगी। तो किस बात की खुशी, शुरू में सुबह उठते से ही किस बात पे हम खुश हो जाएं, तो बात यह है कि आज का दिन हमको कि कितने हम सौभाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं कि आज का फिर से एक नया दिन, नया जीवन हमको मिला है, एक नए दिन में हम कदम रख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ना रात को सोए के सोए रह गए, तो किस भी है, तो जीवन का नया दिन मिलना ही कोई साधारण बात नहीं है, कोई बहुत ही कि बस हम अगर नया दिन मिला है तो बहुत ही कोई असाधारण बात है नहीं। और जब मानो कि सब कुछ इस तरीके से हमको समझना होगा कि वाह आज का दिन मिल गया, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया, क्योंकि जीवन से बड़ा धन है ही नहीं, जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है। तो उसको ही इस तरीके से हम खुश होकर के अपने दिन की शुरुआत करें। तो ऐसा हम अगर करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन भर में कभी मन अशांत हो, गुस्सा आए, तो क्या करना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, खुश हूँ, इस तरीके से अपने आप को अगर हम मन ही मन बोले तो तुरंत में वो, तो यानी क्या हुआ कि हमको पॉजिटिव अफर्मेशन तो करना ही है शुरू में, एक शुक्रिया, एक ग्रैटिट्यूड कि वाओ आज का दिन मिला है, और ये जीवन का जो ये दिन है जो बहुत ही मेरा कि सबसे अनमोल जो धन है वो है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और मैं फिट बॉडी में हूँ, अच्छी नींद आई, सब चीज के लिए शुक्रिया करते हुए साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। और मन में अगर इस चीज का हम कभी भी बीच बीच में जाप करें कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, तो जब कभी निराशा या अशांति ऐसा कुछ आएगा तो ये हमको हेल्प करेगा, पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड और इस तरह का। तो अब क्या था, जैसे कि अब हम कहते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, हर दिन इस तरह से अगर पता चले कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है तो क्या होगा, हम उसको जिस तरह से कि आज हम सेलिब्रेट करके हम जाएं तो कैसे खुश होके आना, तो वैसे उस तरीके से हर दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह हम करके जिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता था
कि दिन भर में कुछ ना कुछ तो शांति वाली बातें या नहीं कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है, लेकिन हम देखे थे जैसे मुन्ना भाई MBBS उस मूवी में क्या देखे थे कि जब वो डॉक्टर जो था, जो अब उसको कभी भी परेशानी होती थी, कोई टेंशन वाली बात आती थी तो क्या करने लगता था, वो हंसना शुरू कर देता था। तो एक पॉइंट हम उठा सकते ना, किसी चीज से हम क्या लेसन मिला, तो क्या होता था कभी कोई टेंशन आए तो अपनी सांसों को तेज नहीं बढ़ाना है, रिएक्ट वो नहीं करना है, बल्कि वो हंसने लगता था। तो जैसे एक पत्नी, एक जोक था कि एक पत्नी मायके से आई लौटी और पति गेट खोलता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये एक जोक की मतलब कि उसमें वो पत्नी पूछती है कि क्यों हंसे जा रहे हो, तो लकी मेरे गुरु ने बताया है कि मुसीबत का सामना हंस के करना चाहिए। तो इस तरीके से एक तो वही जोक में भी क्या बताया जा रहा है कि कुछ मुसीबत आ जाए तो हम लोग अगर उसमें हंसे तो हमारी वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो प्रसन्नता का भाव हमें बनाए रखना है हर सिचुएशन में, अपने मन को हमेशा सकारात्मक सोच विचार से हमको भर के रखना है, ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन और मन शांत है, मन खुश है, इस तरीके का हम भाव रखें, क्योंकि हर दिन एक तोहफा है जो हमको मिला है। तो ये एक सूत्र है। और सेकंड जो दूसरा सूत्र है वो है कि अपने सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें कि हर चीज में अगर हम कैसे क्या पॉजिटिव देखें, किस तरीके से, क्योंकि कभी भी चाहे जो प्रॉब्लम आएगा, अब हम रोज हम सुनी रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, सत्संग हम बातें करते हैं, सब तो हम समझ रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे लाइफ का चैलेंज है या टेस्ट है। तो इस तरीके से कि हर प्रॉब्लम को हम अपना चैलेंज के रूप में लें, टेस्ट के रूप में लें, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम बनाए रखें तो हम बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जो घटना है वो तो घटेगी ही, जो घटना है उसको घटना है यानी वो, लेकिन उससे हमको जितना इफेक्ट होना है, क्या उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर होना है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे ही भीतर है कि हम उससे कितना अपने आप को, हम उससे कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो और कि दुख को भी हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से हम बना कर रखें तो उस दुख में भी हम सुख खोज लेंगे, उस दुख में भी हम सुख खोज लेंगे। तो अब रोने से और रोने से भुनभुनाने से वो कम नहीं होने वाला। तो जैसे कि एक स्टोरी थी कि एक आदमी था, उसके बिजनेस में बहुत लॉस लग गया था, तो वो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत परेशान और एकदम इस तरह हताश रह रहा है। तो अब उसके पिता ने क्या कहा, उसके पिता ने कहा कि अब तुम्हारा अब लॉस ही तो लगा है, तुम इसमें भी अब इसमें कैसे सकारात्मक एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए। तो वो उन्होंने कहा कि लॉस ही तो लगा है, तुम ये सोचो कि कुछ कि तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं चढ़ा है, तुम्हारे ऊपर बहुत से वो कर्जा नहीं चढ़ा है, और इतना ये सोच लेंगे कि हमने इतना कम कमाया है, जितना लॉस लगा है उसको हम सोच लेंगे कि हमने इतना कम कमाया है। तो क्या हो गया, वो उसने अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लिया, दृष्टिकोण को बदल लिया, पॉजिटिव एटीट्यूड डाला कि वहां पर फिर वो आगे काम करने का और हिम्मत मिलता है, नहीं तो उसी दुखी और निरस्ता में पड़े रह जाएंगे। तो कि अब यही है कि अब भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब उसको हम हंस के या अपने कर्मों का कुछ भी फल हो या कुछ भी समझ कर, चाहे हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी कहानी है जो अभी मैं शेयर करूंगी, इससे समझने की बात कि एक बार एक कॉलेज में प्रोफेसर आता है और वो प्रोफेसर वो सभी स्टूडेंट को वो कहते हैं कि आज तुम लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट है। तो वो सबको क्या करते हैं, एक एक ब्लैंक एक सादा कागज देते हैं जिसमें एक ब्लैक डॉट बना हुआ था, सभी को एक साथ वो पेपर दे रहे हैं और जिसमें ब्लैक डॉट बना, और कहा कि इस पेपर में जो है उसके विषय में तुम लोगों को एक नोट्स लिखना है, कुछ भी ऐसे टाइप कुछ भी, तो इस पेपर में जो भी है उसके बारे में तुम लोगों को अपना वो
लिखना है उस विषय में। तो सब थोड़ा घबराए भी कि अरे क्या ये सरप्राइज टेस्ट है और लिखना है हमें। तो सबको पेपर मिला और सबने लिखना शुरू किया, जो समझ में आया सब कुछ सबने सब लिखा उस पेपर में। तो क्या हुआ फिर, सब जब पेपर प्रोफेसर ने ले लिया है उन्हों, तब वो क्या बोले, वो देखे सबके और सबके वो नोट्स को वो पढ़ पढ़ कर सुनाए, उन्होंने जोर से पढ़ा। अब वो बोले कि तुम सबने जो तुम सबको पेपर मिला और तुम सबने इसमें लिखा भी, तुम लोगों को ये कोई एग्जाम को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तुम लोगों को परखने के लिए था, ये तुम लोगों को परखने के लिए एक परीक्षा थी। तो इस पेपर में क्या था, एक छोटा ब्लैक डॉट था लेकिन बाकी ये पूरा सफेद था। तो तुम लोगों ने इस सफेदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तुम लोगों ने इस जो पूरे क्या दिखा, इस पेपर में एक ब्लैक डॉट दिखा लेकिन जो पूरी और सफेदी थी उस वो तुम लोगों ने देखा नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आया। तो और वो ब्लैक डॉट के बारे में ही तुम लोगों ने लिखा। तो सफेदी के यही था कि हमारे जीवन का भी ये जो पन्ना है, हमारा भी जो ये कोरा कागज जो जीवन का जो पन्ना है उसमें कुछ जो ब्लैक डॉट है, एक आधा ही ब्लैक डॉट है, कि हमारा जीवन भी एक सफेद पन्ने की तरह है और कुछ एक आधा ही ब्लैक डॉट है और हम क्या करते हैं उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और जो सफेद पन्ना है उसमें हम कुछ लिख नहीं पाते, हम कुछ छाप नहीं पाते अपने जीवन का आगे के लिए, क्योंकि हमारी जो है हमारा क्या होता है, हमारा नेचर जो है कि हमारे में जो जीवन में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं या जो नहीं मिला उसके लिए हम देखते सोचते रह जाते हैं। लेकिन जो हम और उस सफेद बाकी के जो सफेद पन्ने में हम कुछ जो कहानी लिख सकते हैं, जो हम आपको छाप सकते हैं, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था हमारे ही लाइफ से रिलेटेड। तो आपको जीवन में ये क्या दिखाता है, ब्लैक डॉट, या आपको अपने जीवन में हमको क्या दिख रहा है, ब्लैक डॉट या व्हाइट पेपर? तो आज से हम अपने जीवन के उस व्हाइट पेपर को देखना शुरू करेंगे और दुख में या सुख में, जैसे कि कुछ है कि दुख है तो हम उसमें भी अगर सुख को देखना शुरू करें, बुराइयों में भी हम कोई अच्छाइयां को देखना शुरू करें, कठिनाइयां हैं तो उसमें भी अवसर को देखना शुरू करें। तो क्या था कि हमको अब व्हाइट पेज देखना है, उन ब्लैक डॉट्स जो थोड़े बहुत हैं उनको इग्नोर करना, सुख दुख में सुख और बुराइयां में अच्छाइयां और कठिनाइयां में अवसर, क्योंकि हर जो चैलेंज है अगर हम तो उसके पीछे हमारे क्योंकि हम चैलेंज एक्सेप्ट करते उससे करते तब जाकर हम कुछ सक्सेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो उस अवसर मिला है उसको भी अवसर की तरह देख करके हमको अपने जीवन में लेना है, क्योंकि नकारात्मक जितने जो है नेगेटिविटी नकारात्मक इंसान को और नकारा बना देगा, और जो कि अपने मन को हमको सकारात्मक ही रखना है। तीसरा सूत्र जो है क्या, रिएक्ट ना करें, प्रतिक्रियाएं ना करें, कि हम तुरंत ही जो कोई बातों पे हम रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ भी होता है किसी ने कुछ कह दिया तो कभी मान लीजिए कि कभी कोई बहुत तारीफ कर देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर कोई बुराई कर दे कोई एक लाइन भी तो तुरंत हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्टोरी क्या है यहाँ पे कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा किसी और के लिए कि वो कि मान लीजिए रमेश ने तुम्हारे लिए तुमको ना गधा कहा है। एक दोस्त ने बताया दूसरे दोस्त को कि वो जो रमेश है जो एक और दोस्त है हमारा वो उसने तुमको गधा कहा। अब क्या हुआ, अब वो तुरंत में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, सुनते ही इतना उसने मुझे गधा कहा, उसकी इतनी हिम्मत मुझे गधा कहा, अच्छा रुको उसकी सारी बातें सारे पोल मैं खोलता हूँ, और फिर क्या कहा कि बता दूंगा गधा कौन है, वो गधा है कि मैं गधा हूँ, सारी उसको तो इस गधा कहने के अंजाम को
वो अब मजा चखेगा। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उसने एक बार गधा कहा, लेकिन वो अब इस बात को रिपीट कर करके खुद ही खुद को 5 बार गधा कहा। तो उसने क्या किया, बार 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 उसे रिपीट करके, यही हम भी करते हैं, कभी कोई इंसिडेंट एक बार हो जाता है और जिसको हम बार बार रिपीट करके दोहराते रहते हैं, और अब खुद को ही वो बार बार ऐसी वे शब्द यूज करके गधा कह रहा है 5 बार। तो जैसे कि अब कोई बात कुछ हो जाती है तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है। तो इसमें क्या है कि हम इसको समझें कि जैसे अगर कोई एक शांत पानी है, बहुत ही शांत पानी है एकदम ठहरा हुआ तालाब में, और अगर एक एक पत्थर, छोटा पत्थर लेकर उसमें अगर फेंकते हैं तो क्या होता है, उस शांत पानी में अगर एक पत्थर फेंकते हैं छोटा सा भी, तो क्या होता है, तुरंत एक घेरा बन जाता है, एक घेरा बन जाएगा पानी में, फिर वो घेरा और दूसरा घेरा बनेगा, तीसरा घेरा बनेगा, वो घेरा बड़ा होते 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 पूरी पूरा जो वो तालाब था उसको वो कवर कर लेगा। अब तो और इसी तरीके से वो क्या हुआ कि उसमें एक पत्थर फेंका गया और वो घेरा करते 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 पूरे शांत तालाब को वो घेर लिया। उसी तरीके से हमारे भी यही होता है कि एक कोई भी एक शब्द हमारे कान में पड़ा हमारे खिलाफ या कुछ ऐसा, और फिर वो हमारे दिल में, मन में, शरीर में, वो क्या होता है, वो उसको पूरी तरह से घेर लेता है, हमारे पूरे जीवन को, पूरे शरीर को वो एक घेरा बन जाता है। तो इस अब मान लीजिए इसी सेशन में हमारा जो हम रोज मिलते हैं, ध्यान करते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है, हम कितनी अच्छी बातें सब कुछ मान ले करते हैं, तो वो सब तो ठीक है, सब अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कोई एक बात हो गई जो मन को अच्छा नहीं लगा, या कोई कुछ एक बुरी बात हो गई, तो वो ही याद रहेगा, वो लेकर के लोग, जैसे कोई कोई जो होता है कि वो इतने लोगों के बीच में, अच्छा मुझसे ऐसे कह दिया गया, तो वो जितना भी अच्छा कुछ लिया गया वो तो रह जाता है साइड, और वो सिर्फ एक बात, अगर मैं किसी को मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर कह दूं कि प्लीज शॉर्ट में बोलिए थोड़ा, लेकिन हो सकता है किसी को तुरंत वो बुरा लग जाएगा कि अरे इतने लोगों के बीच में मुझे ऐसे कह दिया गया, और वो ही बात लेकर के जाएंगे। अब मैं किसी को बोली कि अगर कोई दूसरे मास्टर्स क्या बोल रहे हैं वो सवाल अगर ना करे, या उनसे ही वो सवाल करें, दूसरों की बात मुझे कहना, मेरी बात दूसरों को कहना, तो ये ना करे, लेकिन वो इतना बुरा लग जाएगा कि लोग ग्रुप छोड़ देंगे और दोबारे नहीं आएंगे, बाकी जो इतने समय से जो लिया वो सब साइड हो गया, और वो एक बात इतनी बुरी लग जाती है कभी कभी किसी को कि लोग फिर वो आना बंद कर देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो वो ही है कि क्या मायने, किस चीज को हम पकड़ कर बैठते हैं, तो हमारे वो सार, उस एक पत्थर, एक घेरा, वो पूरे तन, पूरे हमारे तन मन आत्मा को, शरीर को, सबको घेर लिया। तो वही, और अब और कैसे वो रिएक्ट वाली जो मैं बात कह रही हूँ कि अब जैसे एक था, एक सच्ची ही बात है, एक पति और पत्नी थे। तो पति कहते कि एकदम आग, वो तो एकदम आग, और पत्नी पानी, तो मतलब कि उसको बहुत गुस्सा और वो उतनी ही शांत। तो पति बहुत ज्यादा गुस्सैल था, और पत्नी को जब पूछा गया कि तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, कोई रिएक्ट नहीं करती हो, तो ऐसा कैसे, तो अब वो क्या बोली, उनका स्वभाव ही ऐसा है, अब उनका स्वभाव ऐसा है, उनका तो मशीन चालू हो जाता है, वो एक एक बार तो दिन भर में वो करेंगे ही गुस्सा, तो ठीक है ना, उनकी ये उस बाहर निकल जाता है, उनका ये जो है, उनका ये स्वभाव ही है, तो वो गुस्सा कर देंगे, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो ठीक हो जाएंगे, और अच्छा ये है ना कि मेरे ऊपर करते, अगर कहीं बाहर में वो गुस्सा करते हैं तो बात बढ़ जाएगी, तब हो सकता है झगड़ा हो जाए, बात बहुत आगे बढ़ सकती है, तो ठीक है मेरे ऊपर करते हैं, ताकि और जब जब वो कर लेंगे, खत्म हो गया, शांत हो जाएंगे, तो मुझे बात को बढ़ाना नहीं होता है, खत्म करना होता है, और इस स्वभाव को मैं समझ रही हूँ।
तो इसलिए मैं कोई रिएक्ट करती ही नहीं हूं। अब रिएक्शन में और क्या आता है, जैसे कि अगर कोई बोले, आप कोई कोई अगर कोई कह दे कि दिन भर बैठ के यही मेडिटेशन और ये सब चल, तो तुम्हारा तो केवल यही काम है। अब सुनते ही अगर हम रिएक्ट करते हैं या भड़क जाते हैं कि अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे आज से मेडिटेशन, और अगर छोड़ देते हैं तो किसका नुकसान होगा? अगर हम रिएक्ट करके किसी अच्छी बात को भी हम वहीं पर बीच में छोड़ देते हैं तो नुकसान किसका हुआ? ऐसा जो फिर तो रिएक्ट करने से वही है कि उस चीज को हम हजम कर लें और ना करें, और देखें कहाँ तक हम वो बातें हमें रिएक्ट कर रही है, कैसे हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं हम अपना तो नुकसान नहीं कर ले रहे हैं। और एक चौथा सूत्र क्या है कि सेटिस्फेक्शन, ये बस 5 मिनट और फिर मैं खत्म करूंगी आज के सेशन को। संतोष बनाए रखें, सेटिस्फेक्शन कि जो भी जितना भी मिला है अगर हम उसमें सेटिस्फाइड होना शुरू कर दें, सेटिस्फेक्शन रखें, तो क्या होगा कि तो क्या अब लगे कि क्या अब हम और कुछ नहीं करें क्या, जो मिला है उसी को निश्चिंत रहें और हाथ पैर ना मारें, कुछ और कोशिश ना करें? बिल्कुल कोशिश करना है, बोलते हैं प्रयास करना है, और लेकिन परेशान नहीं होना है कि अगर नहीं मिला, अगर नहीं है तो हम उसमें परेशान ना होए। अपनी अपनी ताकत के, अपने उसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश कर सकते हैं, हमारा जितनी हमारी सहूलियत है, जितना है सहमति है, उतने हम अपने को कोशिश कर सकते हैं। तो जो प्राप्त है, जो मिला हुआ है, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान करके हम जिए, प्राप्त को ही पर्याप्त मान लें कि हाँ जितना मिला हुआ है उसी को हम सेटिस्फाइड होकर सेटिस्फेक्शन के साथ हम जीते हैं, तो हमारा जीवन, हम खुद खुश रहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या क्या हम जो एक चार सूत्र हम लोग क्या सीखे कि सुबह की शुरुआत में ही हम अपने दिन की शुरुआत ही अगर बहुत खुशी से करें तो सारा दिन अच्छा जाएगा, ग्रैटिट्यूड के संग, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में कि वाह आज का दिन। और सेकंड था कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, थर्ड था कि रिएक्ट नहीं करना है, और फोर्थ है सेटिस्फेक्शन। तो हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और सभी प्रॉब्लम्स को भी हम एक अवसर की तरह लेंगे कि ये हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो हंसते मुस्कुराते अपने इस जर्नी ऑफ लाइफ को जॉय करते हुए हमको आगे बढ़ना है, आनंद की यात्रा ही इसको समझ के हम आनंद लेते रहेंगे अपने इस जर्नी को। तो आज के लिए इतना ही, जे फॉर जर्नी ऑफ जॉय, और कल है के फॉर कर्मा पे हम बात करेंगे, कर्मा के साथ साथ हम कैसे क्लियर करें अपने कार्मिक अकाउंट को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कल के सेशन में भी हम सब जुड़ेंगे, और मैं अनम्यूट ऑल कर रही हूँ आप एक बार। तो फ्रेंड्स सभी को धन्यवाद आज के ध्यान। श्वेता जी आज तो मेरे को बहुत क्या बताऊं मैं, हाँ हाँ विद्या जी मैं सुनूंगा क्या बताऊं। थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम। मतलब आपने मेडिटेशन के समय कितना क्या बताया, मुझे एक अक्षर नहीं समझ में आया, खाली शिव नमः शिवाय नमः शिवाय खाली दिमाग में घूम रहा था, और इतने सुंदर शिवलिंग दर्शन हुए दूध से भरे हुए और फूल, मेरा जीवन में पहली बार हुआ है ऐसे, 1.5 साल हो गया मुझे मेडिटेशन करते, लेकिन इतने सुंदर दर्शन आज हुए है ना, और अभी भी मेरा माथा इतना भारी हो रखा है मैं बता नहीं सकती। सही कह रहे हैं, थैंक यू। एक बार तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आंख बहुत देर तक बंद रही, अभी भी मतलब जबरदस्ती मैं खोल रखी हूँ, माथा एकदम भारी हो रखा है मेरा। मैंने देखा, मैं देख रही थी आपको कि बहुत ही समझ नहीं आ रहा, नींद नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, आपकी आप बात से एक भी नहीं सुनी, खाली शिव ओम नमः शिवाय का ही खाली सुना। आप इस मेडिटेशन को आप चाहे तो फिर सिर्फ जो मेडिटेशन पार्ट है शुरू का फिर से करिएगा, तो जरूर आप डालेंगे तो जरूर करूंगी। मतलब पहली बार इतना बढ़िया मेरे को मतलब फील हुआ, इतने सुंदर शिव जी के दर्शन,
और लाइट, मतलब क्या मैं बताऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत पहली अच्छा। बार हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैंने वापस म्यूट किया हुआ है कि अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। हेनरीज, विद्या जी का बहुत सुंदर अनुभव हुआ है और हमने ध्यान में विद्या जी यही किया था, वो ओम नमः शिवाय भी चल रहा था और अभिषेक हो रहा था, और इस ध्यान को आप जरूर फिर से करिएगा और उसी फिर उसी स्टेट में आप रह सकते हैं, आंखें ना खोलें तो अच्छा लगेगा। मोनिका मुंद्रा जी बोलिए। दीदी आपने क्या करा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं एकदम साइलेंट। क्या नमः शिवाय, ये सब जन बोल रहे हैं कि नमः शिवाय था, शिवलिंग का पता है कि आप शिवलिंग जरूर बोला था, बीच में शिवलिंग है और आसपास अपन सब बैठे हैं, इतना पता, उसके बाद मेरे को कोई साइलेंट। बहुत अच्छा, वही हम लोग 1 2 3 5 बोले, जितना पता लास्ट में पता चला कि हाँ दीदी बोल रही है, बस हो गया। बहुत अच्छा कि हम समाधि स्टेट में जब थोड़ा वैसे चले जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता है, तो वो ध्यान की। और हमने इतने मास्टर्स को भी बुलाया हमारे, और आज का दिन था सावन का, मैंने कहा लास्ट सोमवार, बहुत अच्छा है। जब उनको भी आपने कहा मोनिका जी, कुछ पता नहीं, एकदम साइलेंट। बहुत अच्छा, वहीं पहुंचना है। निर्मला जी बोले, अनम्यूट करें। हाँ दीदी, एक तो खूब गुफा सी दिखी एकदम से, और फिर जैसे शिवलिंग दिखा ना, उसके बाद उसमें से थोड़ी देर बाद लिंग गायब हो गए, एकदम जोत जैसा दिखा, और जब शिव पार्वती जाने लगे तो ऐसे लगता मेरे अंदर से कुछ निकल के उनके साथ जा रहा है। अच्छा है, अच्छा अनुभव है। हम फिर से बाद में इस ध्यान को फिर आप शाम के समय सब करेंगे, आज सोमवार में मैं शेयर कर दूंगी वीडियो और लिंक। सरिता जी अनम्यूट करें, फिर अरुणा जी। क्या बताऊं, बोलने के लिए कुछ नहीं है, इतना अच्छा ध्यान, इतना गहरा ध्यान, बहुत शांत। थैंक यू बहुत अच्छा, थैंक यू सरिता जी। अरुणा जी हुआ नहीं, हुआ, हाँ हो गया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब आपने कहा ना दूध की वो धारा गिर रही है, एकदम ऐसे लगा जैसे पतली धार गिर रही है, और आंखें बंद की, लास्ट में जब आपने कहा आंखों पे हाथ रखो, मेरे आंखों के सामने शिवलिंग आया, और पहले त्रिशूल बना, पर इतना सुंदर सतिया बना शिवलिंग के ऊपर, पता हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा अरुणा जी, सबके अनुभव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अनुराधा जी बोले। अनुराधा जी हाँ, नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते, मैं ये बोल रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हैं अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपना एक्सपीरियंस, प्लीज मैं आपसे पूछती हूँ श्वेता जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना, आप हम लोग को कराती हैं, आपको कैसा लगता है? मैं जब ध्यान कराती हूँ तो मुझे जो फील हो रहा होता है वो मैं बोल रही होती हूँ। तो अच्छा। मुझे खुद को जो फीलिंग, जो मैं खुद उस चीज में अंदर बैठ के पिरामिड में एक मन में था कि हाँ चलो आज यही सावन सोमवार और शिव जी पे हम ध्यान कराएंगे, लेकिन जब उस वक्त जो फील हो रहा है वो मेरे शब्द बन रहे हैं, तो कि हम सब उनकी वो दूधी रूपी जो वर्षा हो रही है, फिर हमारे ऊपर भी छींटे पड़ रहे हैं, फिर हम भी शिवलिंग की तरह बन रहे हैं, फिर हम भी उस ऊर्जा से तो और खुद ही शिव बन कर गए हैं, तो ऐसा महसूस हुआ, तो वो ही शब्द निकल रहे थे। जब आपने कहा ना पिरामिड बना है, बहुत बड़ा पिरामिड बन गया है, उसके नीचे हम लोग सब कोई राउंड करके बैठे हैं, आज पहली बार मेरे को लगा कि हम लोग सब कोई गोल गोल घूम रहे हैं, मैं डर के मारे आंख खोल ली अपना। अच्छा अच्छा, जैसे लगा कि गोल 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 घूम रहे हैं, अभी तक भी मेरे को लग रहा है कि कहीं टीवी चला के देखूं कहीं भूकंप तो नहीं आया, ऐसे मैं हिल गई कैसे पूरा। तब मैंने पूछा, मैं श्वेता जी से पूछी, उनको कैसा एक्सपीरियंस होता है पिरामिड के नीचे बैठ के? बिल्कुल, ये शरीर जो थोड़ा वो घूमना, क्योंकि बहुत लाइट फील होता है, शरीर जैसे है ही नहीं,
तब लगता है कि ऐसे हिल रहे हैं, झूम रहे हैं, फिर ना जाए ऐसा। तो मैं बहुत जो डर गई, मेरी आंख खुल गई, उसके बाद तो ध्यान लगा ही नहीं। ओहो, नहीं नहीं, आगे फिर कभी तो आंख मत खोलिएगा, बिल्कुल सरेंडर बोलिए, जो होता है होने तो मैं नहीं घबराती, अपने मन में ही ये चीज बोलिएगा। तो वो क्योंकि कभी वो घड़ी आता है, वो घड़ी आ रही है जहां पर हम जिसके लिए पहुंचने वाले हैं और हम घबरा कर पीछे कदम कर हटा लें, तो वो नहीं करना है। एकदम सरेंडर रखें कि कुछ भी जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोचेंगे।